दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में, अगर इनका बल्ला चला तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। इन्हें तो आप जानते होंगे या आपने इनकी बैटिंग और बॉलिंग देखी होगी। तो इस वीडियो में ग्लेन मैक्सवेल की लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग पसंद है तो इस वीडियो को कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ग्लेन मैक्सवेल का फुल नेम है ग्लेन जेम्स मैक्सवेल और इनका निक नेम है द बिग शो और मैक्सी। प्रोफेशन से एक क्रिकेटर हैं। ग्लेन मैक्सवेल का जन्म 14 अक्टूबर 1988 को के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ और 2020 के हिसाब से ये 32 साल के हैं। अब बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल के करियर के बारे में। दोस्तों, मैक्सवेल शुरू में एक फास्ट बॉलर थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की और अपने आप को तैयार किया, जिसके बाद ये एक ऑफ स्पिन बॉलर बने। दोस्तों, इन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत साउथ बेलग्रेव सीसी के लिए खेलकर जूनियर क्रिकेट से किया और फिर मैक्सवेल को जुलाई 2009 में विक्टोरिया टीम में सेलेक्ट किया गया, लेकिन इन्हें खेलने का मौका 2010 में मिला, जिसके बाद इन्होंने 2010 में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया NSW के खिलाफ, जिसमें इन्होंने 19 बॉल पर 50 रन मारे, जिसके बाद इन्हें 2011 इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में शामिल किया गया और इन्होंने इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ 23 बॉल पर 59 रन बनाए और वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 52 बॉल पर 110 रन मारे और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में ही इन्होंने मेलबोर्न रेनेगेड्स के लिए खेला। और दोस्तों, इनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, जिसके बाद इन्होंने 25 अगस्त 2021 को अपना ODI यानी वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया अफगानिस्तान के खिलाफ, बट इस मैच में ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे ODI में इन्होंने 38 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर 5 सितंबर 2012 को मैक्सवेल ने T20 डेब्यू किया पाकिस्तान के खिलाफ और फिर इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें 2012 ICC वर्ल्ड कप T20 में शामिल किया गया और अपने ताबड़तोड़ बैटिंग और बॉलिंग से मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया टीम को फाइनल तक पहुंचाने में मदद की। और बात करें इनके IPL करियर की, तो दोस्तों, मैक्सवेल ने अपने IPL करियर की शुरुआत 2012 से दिल्ली डेयरडेविल की तरफ से खेलकर की और एक साल खेलने के बाद मैक्सवेल 2013 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे और फिर 2014 के IPL ऑक्शन में मैक्सवेल को किंग्स 11 पंजाब ने 6 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया, जो टीम अब पंजाब किंग है। दोस्तों, 2014 के IPL में मैक्सवेल ने ऐसी धुएंधार बल्लेबाजी की जिसकी वजह से इनको पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली और इस IPL में किंग्स 11 पंजाब को फाइनल तक पहुंचाने में मैक्सवेल का बहुत बड़ा हाथ था। और अब ये 2021 में RCB का हिस्सा है। RCB ने 2021 के ऑक्शन में मैक्सवेल को 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। दोस्तों, इनके करियर में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, इन्होंने अपने दम पर कई रिकॉर्ड बनाए। मैक्सवेल ने 2015 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 51 बॉल पर सेंचुरी मारी और ये वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज सेंचुरी है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ग्लेन मैक्सवेल आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको ग्लेन मैक्सवेल की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है नील मैक्सवेल और इनकी मदर का नाम है जोए मैक्सवेल और इनका एक ब्रदर भी है जिनका नाम है दानियल मैक्सवेल। और बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो दोस्तों, ये अभी अनमैरिड है, बट इनकी इंगेजमेंट हो गई है और इनकी इंगेजमेंट जिनसे हुई है उनका नाम है विनी रमन और ये एक इंडियन गर्ल है और जल्दी ये दोनों शादी करने वाले हैं। वहीं बात करें मैक्सवेल के हाउस के बारे में, तो दोस्तों, मैक्सवेल का अपना घर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है और ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और इस घर की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। वहीं बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों, इनके पास कार है मर्सिडीज बेंज सी क्लास जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए और इसके अलावा इनके पास है फोर्ड मस्टैंग GT जिसकी कीमत है 75 लाख रुपए और मैक्सवेल के पास BMW की BMW 3 सीरीज भी है जिसकी कीमत है 43 लाख रुपए और इनके पास ऑडी की ऑडी A8 भी है जिसकी कीमत है 1 करोड़ 57 लाख रुपए। वहीं बात करें मैक्सवेल के इनकम के बारे में, तो दोस्तों, मैक्सवेल को एक ODI मैच खेलने के लिए मिलते हैं 2 लाख रुपए और वहीं एक टेस्ट मैच खेलने के लिए मिलते हैं 3 लाख रुपए और T20 मैच खेलने के लिए मिलते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए और इसके अलावा इनका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से एक कॉन्ट्रैक्ट भी है जिसके चलते इन्हें हर साल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं।
वहीं बात करें इनके आईपीएल सैलरी के बारे में, तो दोस्तों ये हर साल आईपीएल ऑक्शन में अलग अलग प्राइस में बिकते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा। और हाल ही में ये आरसीबी में आए हैं, जिसके लिए इन्हें मिले हैं 14 करोड़ 25 लाख रुपए। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो इनका नेटवर्थ है 90 करोड़ रुपए। तो ये थी ग्लेन मैक्सवेल की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं कोई सी भी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।